बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम नीतीश की कार्यशैली, उनकी विधि व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते अपराध पर जब मीडिया सीएम से सवाल पूछती है तो सीएम अपना आपा खो बैठते हैं। इसी बीच अब तेजस्वी ने भी सीएम पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि सीएम अपराधियों के सामने सरेंडर कर चुके हैं, अपराध रोकने के बदले तुलना कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ उठा, अपराधियों के सामने किया सरेंडर, कोई नहीं रोक सकता अपराध। हड़प्पा काल में भी होते थे अपराध, जरा तुलना कर लीजिए। उल्टा पत्रकारों से पूछ रहे हैं, क्या आपको पता है कौन है अपराधी और वो क्यों करते हैं अपराध। तेजस्वी यादव ने कहा कि कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलिए, बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। सत्ता संरक्षित अपराधी कभी भी कहीं भी तांडव कर किसी को भी लूट अपहरण कर गोली मार देते हैं। बलात्कारी सरेआम माँ बहन बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार संभल नहीं रहा, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, क्योंकि आरसीपी टैक्स योजना के तहत उनका पद स्थापन होता है, अधिकारी जन प्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते, भ्रष्टाचार चरम पर है और कुर्सीवादी सिद्धांतहीन जोड़ तोड़ की सरकार अपना अपना हिस्सा बांट गहरी निंद्रा में है।